सचों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता होना चाहिए कि बिहार शिक्षक भर्ती में करेक्शन का डेट आया हुआ है। अगर फॉर्म में कोई त्रुटि हो, कोई मतलब नहीं, मैं बता रहा हूँ कि इस पे केवल त्रुटि होगा, तो बस वही चीज़ आप बदल सकते हैं। इसका कारण भी है क्योंकि आपको पता है कि फीमेल रिजर्वेशन है 50%, केवल बिहार के महिलाएँ जो हैं उनके लिए 50% रिजर्वेशन है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मेल रहते हुए भी वह फीमेल का ऑप्शन क्लिक कर दिए हैं गलती से, बाई द फॉल्ट कर लीजिए इसे, है ना। और जो फीमेल हैं बहुत सारी ऐसे, देखिए बाहर राज्य के हैं तो भी आपको इसमें चांस मिल जाएगा, मतलब अदर स्टेट के हैं तो भी इसमें चांस मिल जाएगा आपको, आप उसको सुधार सकते हैं, है ना। इसमें रिजर्वेशन से कोई मतलब नहीं है बाहर के विद्यार्थियों को, बाहर के स्टेट वालों को, लेकिन जो बिहार के हैं बच्चे, फीमेल हो या मेल हो, तो अपना जो जेंडर है, अगर आप अपने वाइस वर्सा किया हुआ है, मेल का फीमेल, फीमेल का मेल, तो इस वजह से बिहार सरकार इसको इसके लिए करेक्शन डेट निकाली हुई है 30 जुलाई तक आपको मेल करना है। इस वजह से निकाली हुई है कि उसको प्रॉब्लम ना हो रिजर्वेशन देने में, मेरिट तैयार करने में। नहीं तो पहले तो अगर मेल वाला बच्चा होगा, फीमेल भरा होगा, तो पहले तो वह मेल बन के ही जाएगा ना भाई वहाँ पे सामने, तो कहानी उसकी ख़त्म। भर्ती तो ऐसे मतलब एग्जाम में, एग्ज़ाम दे या ना दे, है ना, लेकिन उसका एक तरह से अभ्यर्थिता रद्द हो जाएगा, बिल्कुल रद्द होगा ना भाई, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा बच्चों। इस वजह से थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। आपको मेल करना है, BPSC स्मॉल में रहेगा, सबको पता है मेल स्मॉल में ही होता है, BPSC पटना का PAT, BPSC PAT, फिर योजक चाहे योजक चिन्ह जो SSC दे पाई होती है, योजक चिन्ह प्लस BIH बिहार, जिसमें बिहार में BIH आता है, BIH@NIC.in, इस पर आप मेल करोगे 30 जुलाई 2023 तक, तब जाके इसमें कुछ सुधार हो सकता है। धन्यवाद।